हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 26 अक्टूबर को होने वाले रॉक के फुल प्रीव्यू के बारे में। नेक्स्ट रॉ बहुत ही मजेदार है, रैंडी ऑर्टन हमें नए चैंपियन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाइस, क्या मिज अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले हैं, क्या कुछ है बड़ी अपडेट्स, और इसी के साथ बात करेंगे अंडरटेकर अगेंस्ट सर्वाइवर सीरीज के प्लान्स के बारे में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धांसू होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना। चलो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइव से। और गाइस, जैसे कि आपको पता है सर्वाइवर सीरीज आने वाला है, हेल इन अ सेल पेपर ही हो चुका है खत्म, और सर्वाइवर सीरीज में हमें ब्रांड वर्सेस ब्रांड, चैंपियन वर्सेस चैंपियंस के मैच देखने को मिलते हैं। बात करें नेक्स्ट रॉ की तो गाइस, नेक्स्ट रॉ पर हमें सबसे पहला सेगमेंट देखने को मिलेगा न्यू WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन का। इस सेगमेंट में रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देंगे उनके नए चैंपियन बनने पर हमें यहाँ पर फिर से एक बार हो सकता है ड्रू मैकइंटायर इंटरप्ट करें, क्योंकि गाइस ड्रू मैकइंटायर को उनको चैंपियनशिप के लिए रीमैच का मौका मिलना बनता है। तो नेक्स्ट रॉ पर हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में फिर से रीमैच देखने को मिल सकता है, जिससे कि WWE रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकइंटायर की फ्यूड को खत्म कर पाए। नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा फीमेल डिवीजन की तरफ से, जिसके आपको पता है अभी रॉ वुमेन चैंपियन है आस्का, और आस्का का भी अभी कोई अपोनेंट फाइनल नहीं हुआ है रॉ ब्रांड पर, तो हमें आस्का को भी कोई चैलेंज करता हुआ दिखाई देगा। वैसे गाइस सर्वाइवर सीरीज में तो आस्का फेस करेंगी साशा बैंक्स को, तो हमें साशा बैंक्स को भी कोई चैलेंज करती हुई दिखाई दे सकती है आस्का, जिससे रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की फ्यूड आगे बढ़े। इसके बाद गाइस हमें एक और फ्यूड देखने को मिलेगी जो कि पिछले रॉ पर स्टार्ट हुई है, वो है फेंड वर्सेस रेट्रीब्यूशन की। और जैसे कि हमने पिछले रॉ पर देखा था फेंड ने अटैक किया था टी बार को, तो यहाँ पर टी बार बदला लेना जरूर चाहेंगे फेंड से, और हमें फिर से एक बार फेंड वर्सेस रिट्रीब्यूशन का सेगमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फेंड को ज्वाइन कर सकते हैं हार्ट बिजनेस, जिससे कि हमें टीम वर्सेस टीम की फ्यूड देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज के लिए। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा न्यू मनी इन द बैंक कैश इन होल्डर मिस का। और गाइस जैसे कि हेल इन अ सेल पेपर के बाद मिज ने टीज किया है कि वो हिस्ट्री रिपीट करने वाले हैं, जैसे कि हमने देखा था कुछ साल पहले मिज ने मनी इन द बैंक जीत कर कैश इन किया था रैंडी ऑर्टन पर और जीती थी WWE चैंपियनशिप। तो यहाँ पर मिज का कहना है कि वो हिस्ट्री रिपीट करेंगे और वो रैंडी ऑर्टन पर कैश इन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ओवर मिज कुछ ऐसे ही कदम उठाते दिखाई देंगे, जिससे कि वो टीज करेंगे कि वो जल्दी ही रैंडी ऑर्टन पर कैश इन करेंगे और वो चैलेंज कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन को WWE चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा गाइस एक और इंटरेस्टिंग फ्यूड चल रही है, वो है रॉ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस कीथ ली की। और जैसे कि पिछले रॉ पर कीथ ली ने लो ब्लो लगाया था ब्रॉन स्ट्रोमैन को, तो अभी भी इन दोनों सुपरस्टार्स की फ्यूड कंटिन्यू नहीं रही और ये मॉन्स्टर आगे फ्यूड कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट रॉ पर भी। पर अब WWE किसे स्ट्रॉन्ग दिखाती है, क्या यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन बदला ले पाएंगे कीथ ली से, तो नेक्स्ट रॉ पर ही पता चलेगा। तो गाइस ये सारे सेगमेंट और मैचेस तो हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट रॉ पर। इसके अलावा WWE काफी कुछ दिखाएगी सर्वाइवर सीरीज के लिए, नई फ्यूड स्टार्ट होंगी नेक्स्ट रॉ से। पर अब गाइस बात कर लेते हैं अंडरटेकर के सर्वाइवर सीरीज प्लान्स के बारे में। तो गाइस जिसके आपको बताया कुछ टाइम पहले ऐसे रूमर्स थे रेसलवर्स की तरह अपडेट थी कि WWE प्लान करी सर्वाइवर सीरीज में अंडरटेकर के लिए एक स्पेशल सेगमेंट, और इस बार का सर्वाइवर सीरीज ट्रिब्यूट होगा अंडरटेकर को उनके 30 साल पूरे करने पर। पर गाइस इसी के साथ WWE ने कंफर्म कर दिया है कि इस साल की उनकी थीम बेस होने वाली है अंडरटेकर के 30 साल के करियर पर, और इस साल सर्वाइवर सीरीज हमें अंडरटेकर के लिए खास देखने को मिलेगी। हो सकता है अंडरटेकर भी आए या फिर हमें अंडरटेकर के कुछ फेमस मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं इस बार सर्वाइवर सीरीज में। पर गाइस अगर सही में अंडरटेकर रिटर्न करने वाले हैं तो हमें कुछ टाइम पहले ही पता चलाएगा सर्वाइवर सीरीज से, तो सर्वाइवर सीरीज भी काफी नजदीक है। क्या कुछ सर्वाइवर सीरीज के लिए WWE ने पहले कर रखा है ये तो हमें नेक्स्ट रॉ से पता चली जाएगा। पर दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप अंडरटेकर का रिटर्न देखना चाहेंगे सर्वाइवर सीरीज में, और सर्वाइवर सीरीज में आप क्या रोमन रेंस से रैंडी ऑर्टन के मैच के लिए एक्साइटेड हो। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।